आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। यूपी चुनाव को लेकर बेहद खास है मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी की बैठक, मांगा काम का लिखा जोखा। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ने पर क्रिसमस व नव वर्ष पार्टी पर रहेगी रोक। सपा नेता अबू आजमी बोले, नाकारा सरकारें करती हैं हिंदू मुस्लिम की बात, मंदिर बनाकर पुजारी बन जाएं पीएम मोदी। गुजरात में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जलाए सूरत के रेस्तरां में लगे पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल के बैनर। लव जिहाद पर रोक का कानून बनाएगी कर्नाटक सरकार, विधानसभा के शीत सत्र के दौरान विधेयक पेश करने की तैयारी। अमेरिका के विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने राजनाथ सिंह को फोन कर जनरल बिपिन रावत की मौत पर जताया शोक। श्रीनगर में आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने जताया शोक, कहा चीन से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। राहुल गांधी को नहीं मिली मुंबई रैली की इजाजत, तो उद्धव सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस। ईडी के जरिए हुआ रोहिणी कोर्ट में धमाका, इस्लामिक आतंकी संगठनों पर संदेह, खुफिया सूत्र से मिली ये जानकारी। जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो करें हमारा समर्थन, गोवा में बोली ममता। वैशाली सांसद वीरा देवी की मांग, अयोध्या और वाराणसी की तरह हो वैशाली का भी विकास। श्रीनगर आतंकी हमला को लेकर जैश और कश्मीर टाइगर ने ली जिम्मेदारी, जेएनके पुलिस बोली जल्द मार गिराएंगे। नब्बे मिनट में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान, आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं का दावा, विकसित करें टेस्ट किट। लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग मुखर, लोगों ने किया काम का बहिष्कार, पसरा सन्नाटा। सिद्धू का चन्नी सरकार पर फिर निशाना, आज भी 25 रुपए में मिल रहा रेत, बठिंडा देहात से लाड़ी को टिकट का ऐलान। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ देखी भव्य गंगा आरती, काशी के घाटों पर मनाया गया शिव दीपोत्सव। पीएम मोदी के काशी प्रवास पर विवादित बयान देकर घिरे अखिलेश यादव, भाजपा नेताओं से चौतरफा हमला। बसपा छोड़ रालोद में शामिल हुए पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह, बुलंदशहर के अनूपशहर सीट से दो बार रहे विधायक। प्रयागराज आरएसएस प्रांत प्रचारक बोले, अमृत महोत्सव के माध्यम से जनमानस में देशभक्ति के भाव जगाने की कोशिश। करोड़ों के घोटाले में आम्रपाली के प्रबंधक निदेशक की जमानत अर्जी खारिज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज।
अलीगढ़ में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, मस्जिद में नाबालिग को जमकर पीटा। अलीगढ़ में उड़ान सोसाइटी ने मनाया स्थापना दिवस, अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया संबोधन। बांदा में छात्रों ने कुलपति को खून से लिखा पत्र, तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन। फरुखाबाद में दबंगों के आगे नतमस्तक हुई पुलिस, शादी के मंडप को दबंगों ने किया तहस नहस। लखीमपुर खीरी में किसानों ने खत किया प्रदर्शन, प्रशासन ने मानी किसानों की मांगे। ललितपुर में करनी सेना ने सौंपा ज्ञापन, महाराज जयचंद मात को लेकर दिया ज्ञापन। महोबा में मामूली विवाद में हुआ खूनी खेल, छात्र को कुल्हाड़ी मारकर उतारा मौत के घाट। मैनपुरी में नामी ठग हुआ गिरफ्तार, 2 साल से फरार चल रहा था ठग। रायबरेली में विवाहिता ने समाप्त की जीवन लीला, फंदे से झूलता मिला महिला का शव। रायबरेली में बोरे में मिली महिला की लाश, लाश मिलने से मचा हड़कंप। सहारनपुर में देवबंदी उलेमा का विवादित बयान, खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद। सहारनपुर में तबलीगी जमात पर लगाई गई पाबंदी, दारुल उलूम देवबंद ने किया विरोध। संबल में दिन दहाड़े लूट का हुआ खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में कांग्रेसियों ने भाजपा के लिए किया सदुदी यज्ञ, गौशाला में कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे मौजूद। औरैया में कोतवाली प्रभारी की हुई सराहना, लोगों को बांटे कंबल। औरैया में फुटपाथ पर लोगों को बांटे गए कंबल, पुलिस के कार्यों की जमकर सराहना। आगरा में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी। अलीगढ़ में चोरों ने उड़ाया 1.5 लाख का सामान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर धरने पर बैठे युवक, तहसीलदारों के चक्कर लगाकर परेशान युवक। चंदौली में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, ठेले पर मरीज को अस्पताल लेकर पहुंचा दामाद। मैनपुरी में छात्रा की मौत का मामला, नवोदय विद्यालय हॉस्टल में मिला था छात्रा का शव, एसआईटी ने तत्कालीन प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार।
वाराणसी पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे काशी। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने की काशी विश्वनाथ में पूजा। आगरा में स्वास्थ्यकर्मियों की खुली पोल, वैक्सीनेशन के नाम पर हुई वसूली। मायावती ने शिरोमणि अकाली दल से 100 वर्ष पूरे होने पर दी बधाई, बोली भारत की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी। श्रीराम की तपोस्थली पर हिंदू एकता महाकुंभ का आगाज, कल आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। चमोली में परेशानियों का सामान कर रहे ग्रामीण, 10 महीने बाद नहीं बना पुल। चंपावत में पूर्णागिरी धाम की हुई शुरुआत, मरम्मत उपजिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। कालाडूंडी में ट्रेड फेयर का हुआ शुभारंभ, कैबिनेट मंत्री ने की फेयर की शुरुआत। राहुल गांधी उत्तराखंड में करेंगे चुनावी शंखनाद, केंद्र में रहेंगे सैनिक पूर्व सैनिक मतदाता। दून पावंटा हाईवे होगा फोर लेन, 5 किलोमीटर दूरी होगी कम, टेंट किया गया आमंत्रित। कारगी में बनेगा देहरादून नगर निगम का पहला एमआरएफ सेंटर। दून की रक्षा इकाइयां करेंगी निर्यात, इंडिया अपटेल लिमिटेड के माध्यम से होगा काम, पहले चरण में होंगे 12 रक्षा उत्पाद। पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व चीफ मैनेजर पर मुकदमा, फर्जी दस्तावेज तैयार कर दूसरे के खाते में डाले थे लाख रुपए। ऋषिकेश में नहीं थम रहा नशे का कारोबार, स्मैक सहित एक तस्कर गिरफ्तार। रुड़की ट्रक की टक्कर से रेलिंग तोड़ नदी में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 2 की मौत, 2 युवक घायल। उत्तराखंड में पारे में लगातार गिरावट, मसूरी में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट पार्क घूमने के लिए पर्यटकों में भारी उत्साह, क्रिसमस के नए साल के लिए बुकिंग फुल। बन्नाखेड़ा रेंज में आपसी संघर्ष में बाघिन की मौत, पानी में पड़ा वाला शव। मोदी सरकार की चार धाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, डबल लेन होगी सड़क। तालिबान ने कहा अमेरिका 75,000 करोड़ रुपए वापस करे, हम दोस्ती को तैयार। श्रीलंका राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के बिना सूचना बंद कर दी संसद की कार्यवाही, निकल गए सिंगापुर। चीन में मिला ओमिक्रॉन का पहला केस, डेल्टा के नए स्ट्रेन से भी मचा हड़कंप।
मिशन इम्पॉसिबल की टीम के लिए टॉम क्रूज ने 8000 किलोमीटर दूर से ब्रिटेन मंगवाए 300 खास केक, भेजा प्राइवेट जेट। ईरान के खिलाफ यूएई इजराइल एकजुट, अचानक आदू धाबी पहुंचे नफ्ताली बेनेट। ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में विश्व की पहली मौत, बूस्टर डोज लगवाने को उमड़ा जन सैलाब, चीन और पाकिस्तान में भी नए वेरिएंट की दस्तक। चीनी घोटाले को लेकर अदालत में पेश हुए विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ, 20 दिसंबर तक स्थगित कार्यवाही। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए, अमेरिकी लाइफ पे उनका प्रभाव बढ़ा। भूकंप के जोरदार झटकों से कांपी इंडोनेशिया की धरती, सुनामी की चेतावनी जारी। सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर बैन, सरकार ने कहा अगले जुमे से पहले मस्जिदें खाली करो, जमात आतंकवाद का एंट्री गेट। हुंडई ग्राहकों को 20 दिसंबर तक दे रही है स्मार्ट केयर क्लिनिक सुविधा, कई तरह के डिस्काउंट भी मिलेंगे। ओला S1 प्रो की डिलीवरी का इंतजार खत्म, सीईओ भविष्य अग्रवाल ने गड्डी निकाल चुकी। SBI ने किया डिजिटल करेंसी का समर्थन, कहा सीमा सौदों को निभाएगी अहम भूमिका। LIC ने महिलाओं के लिए उतारी खास बीमा पॉलिसी, 90 दिन से लेकर 8 साल तक के बच्चे के नाम पर ले सकते हैं पॉलिसी। बैंक हड़ताल में भाग न ले सरकारी बैंक कर्मचारी, 16 से 17 दिसंबर को होगी देशव्यापी हड़ताल। LIC में बड़े फेरबदल की तैयारी, चेयरमैन को मिल सकता है ईयर डाई का टॉप पोस्ट, राजकुमार बन सकते हैं LIC प्रमुख। अब कार चोरों की ख्यार नहीं, वॉल्वो ने कार चोरी से बचाने के लिए लॉन्च की नई व्हीकल ट्रेविंग ट्रैकिंग डिवाइस, 24 घंटे करेगा निगरानी। लावा प्रोडक्ट्स N2 नेक बैंड लॉन्च, इस पे 12 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक मिलेगा, पानी पड़ने पर भी नहीं होगा खराब। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की नई सुविधा, POS के सामने खड़ी दिखाई और हो जाएगा पेमेंट। डिश टीवी का यस बैंक पर गंभीर आरोप, सेबी से कहा मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए अधिग्रहण नियमों की हो रही अनदेखी। विराट कोहली वनडे सीरीज से हटे, BCCI को बताया उपलब्ध नहीं। ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे ने साउथ अफ्रीका दौरे से पहले की विनोद कांबली के साथ ट्रेनिंग। एक साथ दो टीमों की मेजबानी करेगा भारत, मार्च में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा वनडे सीरीज। पाकिस्तानी गेंदबाज हसन अली अब पत्रकार से भिड़े, कहा पहले ट्विटर पर अच्छाले को फिर मिलेगा जवाब।
13 तारीख रोहित शर्मा के लिए लकी, वनडे में तीसरी बार डबल सेंचुरी जड़ कर रचा इतिहास। भारत को टेस्ट सीरीज से पहले मिली खुशखबरी, 22 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक हुए बाहर। रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका दौरे से हुए बाहर, युवा बल्लेबाज को टीम में मिली जगह। वीवीएस लक्ष्मण को मिला नया काम, आर अश्विन ने लिखा शहर में आया नया क्लास टीचर। प्रियांका पंचाल का टीम में लिए चयन, अंडर 19 खेलने के दौरान रही रणजी में डेब्यू, गुजरात ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले पहले क्रिकेटर। टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड, कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली बनी टीम। अंकिता लोखंडे की संगीत सेरेमनी में पहुंची कंगना रनौत, एक्ट्रेस की तस्वीरें शेयर कर रही बड़ी बात। बीएमसी ने सील किया करीना कपूर खान का घर, लगाए कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप। मिस यूनिवर्स 2021 हरना संघ जाना चाहती हैं गोल्डन टेंपल, मां को दिया जीत का श्रेय। वेब सीरीज सनफ्लावर में छा गए रणवीर शौरी, मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड। गुरु रंधावा नूरा फतेह फिर दिखे साथ, रोमांटिक अंदाज में पोज देते आए नजर। कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज, जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया, कहा जानबूझकर कोर्ट में नहीं हो रही पेश। करीना कपूर खान को हुआ कोरोना, बीएफएफ अमृता अरोड़ा भी निकली कोविड पॉजिटिव। हरना संधू की जीत ने उर्वशी रौतेला को किया इमोशनल, इस अंदाज में मनाया जश्न। ईडी की चार्जशीट में खुलासा, आरोपी चंद्रशेखर ने जैकलीन को दिए करोड़ों के गिफ्ट और कैश। सुष्मिता सेन की आर्या 2 ने जीता लोगों का दिल, सलमान खान इस अंदाज में की तारीफ। आज के प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।